हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इस समय होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें क्योंकि इस समय जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इनसे ज़रूर बूझे जाएंगे क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा अभी हाल ही में नामित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारत ने किया 5 नए रामसर स्थल नामित। अभी हाल ही में भारत ने 5 नए रामसर स्थल नामित किए हैं जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। आर्द्रभूमियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहते हैं और पृथ्वी की किडनी भी कहते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कि इनमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और ये जो हम अंडरग्राउंड वाटर हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं ये जो है प्यूरीफायर, मतलब दुनिया में ऐसा कोई प्यूरीफायर नहीं बना है जो वेटलैंड के इतना पानी को शुद्ध कर दे। ये जो है किडनी जिस प्रकार रक्त को साफ़ करती है उसी प्रकार जो है ये राम जो आर्द्र भूमि है वेटलैंड वो पानी को साफ करके ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड भूमि में पहुंचाती है जिससे कि उनके जो है जल शुद्धता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसका कोई जवाब नहीं रहता कि इतना कोई भी प्योरीफायर इसको प्योरीफाई नहीं कर सकता। इसीलिए इसे पृथ्वी की किडनी कहते हैं। जैसे हमारे रक्त को किडनी साफ़ करती है उसी प्रकार ये भी जल को अच्छी तरीके से साफ करके और भूमि में मिला देते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा परीक्षाओं में भी जो चर्चा में होता है उन्हें ज़रूर बुझा जाता है। तो ये 5 कौन कौन से हैं। नंबर 1 है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ये जो है करिकिली पक्षी यहाँ 100 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा सभी जीव जंतुओं की भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ जैव विविधता अधिक होती है। नंबर 2 है पल्ली सनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। ये जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। तीसरा है पिच वरम मैंग्रो, ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। चौथा है पाला आर्द्र भूमि, ये मिजोरम की है। पांचवा है सांख्य सागर, ये मध्य प्रदेश की है। ये एक झील है जो पर्यटन स्थल के रूप में मध्य प्रदेश में बहुत जी काफ़ी दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 54 हो गई है क्योंकि अब इन 5 को मिला के पहले थी 49, अब ये 5 मिला के 54 हो गई है। क्योंकि अभी पिछले साल ही PCS में ये रामसर स्थल 6 जो डिक्लेयर हुए थे उनके बारे में पूछा गया था। तो ये एग्ज़ामों में ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पृथ्वी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और जो है हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करने के लिए। आर्द्र भूमि मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए अपरिहार्य है। इसकी मतलब आप ये समझ लीजिए हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए, क्योंकि जल से ही ज़्यादातर बीमारियां होती हैं। इसीलिए ये जल शुद्धिकरण का काम सबसे ज़्यादा यही करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पारिस्थितिकी सेवक भी होते हैं क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के पक्षी जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं, अपने यहाँ पालते हैं इसीलिए इन्हें पारिस्थितिकी का संरक्षक भी माना गया है। मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस फंगस से लगाकर पक्षियों पे बड़े बड़े पक्षी पशु तक यहाँ मिलते हैं तो इसीलिए इन्हें
पारिस्थितिकी का सेवक भी कहते हैं। ये दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक वातावरण में से हैं। यह एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। तो जो ये रामसर स्थल या आर्द्रभूमि स्थल होते हैं उन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत मतलब संरक्षित घोषित किया जाता है उस क्षेत्र को। इस कन्वेंशन को 1971 में ईरान शहर रामसर में अपनाया गया था और 1975 में यह लागू हुआ था। तो जैसा कि पता है रामसर नाम तो लगता है भारत का ही होगा, लेकिन ये जो है ईरान शहर में 1971 में हुआ था और इसे 1975 में लागू किया गया था। यह अंतर सरकारी संधि है, ये कोई सरकारी संधि नहीं रहे, मतलब एक सरकार से दूसरे सरकारों के बीच, जैसे स्टेट सरकार सेंट्रल और दूसरे देशों के बीच ये अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों को संरक्षण तथा उपयोग हेतु रूपरेखा प्रदान करती है। ये जो है सरकारों को जो है आदेश देती है उस क्षेत्र के संरक्षण और उसके संसाधनों के उपयोग हेतु, क्योंकि वहाँ पर अधिक से अधिक जो है जैविक विविधता का संरक्षण हो सके जिससे कि वातावरण सुरक्षित रहे। यह वैश्विक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, ये विश्व की जैव विविधता के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। प्रश्न है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब और कहां किया गया था। ये भी जो है पेड़ पौधों के संरक्षण पर कार्य करती है, ये संस्था जो है IUCN है, ये पेड़ पौधों के संरक्षण पर कार्य करती है तथा जो संकटग्रस्त हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं उनके बारे में डाटा प्रकाशित करती है, लोगों को सरकारों को जागृत करती है तथा जनता को भी जागृत करती है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सबसे पहले IUCN की स्थापना कब और कहाँ किया गया था, इसके बारे में कौन बताता है। तो आप लोग हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा ये अगर पढ़ाई अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।